हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एकेटीयू की जो डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, यानी सिविल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट चलती है उसकी यूनिट वन के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड। और फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो जितनी भी रहेंगी आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। ठीक है फ्रेंड। और साथ ही साथ फ्रेंड, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर भी दे दूंगा, क्योंकि मैं जो भी आपको यहाँ वीडियो में बताऊँगा उन सब सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको वहीं टेलीग्राम चैनल पर डेली के डेली मिल जाएंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड, जो भी चीज़ें अगर मालूम है वीडियो के माध्यम से आपको नहीं बता पाता हूँ तो उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर की यूनिट वन को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो देखो पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन टू वेरियस डिज़ाइन फिलोसफीज क्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर सिंगली एंड डबली रेनफोर्स सेक्शन बाई WSM यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड के थ्रू हमें क्या सिंगली और डबली रेनफोर्स जो हमारी बीम होती है उसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम फ्रेंड एजम्पशन इन लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड में यानी LSM में जो एजम्पशन है उनको देखेंगे। और साथ ही साथ डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर सिंगली रेनफोर्समेंट और डबली रेनफोर्स बीम की डिजाइन भी करेंगे लिमिट स्टेट मेथड के साथ। और फिर साथ ही साथ फ्रेंड टी बीम के बारे में पढ़ेंगे, एल बीम क्या होती है, इनकी डिजाइन LSM यानी लिमिट स्टेट मेथड के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो बेसिक है आपका डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर का, क्योंकि फ्रेंड सबसे पहले जब तक आपका बेसिक नहीं मजबूत रहेगा तब तक आगे कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इससे पहले सबसे पहले आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड देखो, डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, इसको सब्जेक्ट को हम RCC भी बोलते हैं। RCC का मतलब रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट, ठीक है, यानी कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट भी बोलते हैं। अब आगे हम देखेंगे रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट क्या होती है। ठीक है, तो देख लीजिए, RCC इज ए प्रोसेस व्हेन प्लेन कॉन्क्रीट विच इज मिक्सचर ऑफ सीमेंट कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट इज रेनफोर्स विद स्टील बार, यानी कि कॉन्क्रीट में जब हम रेनफोर्समेंट यानी स्टील बार का यूज करने, यानी सरिया अगर आप कहना चाहें तो सरिया का जब यूज करने लगते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है फ्रेंड सरिया यानी कि बार। ठीक है, जब आप कॉन्क्रीट में बार का यूज करने लगते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो रेनफोर्समेंट होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखो रेनफोर्समेंट क्या होता है, रेनफोर्समेंट इज वन टाइप ऑफ मटेरियल विच इज यूज इन कंस्ट्रक्शन। आप सभी को पता है एक तरीके का मटेरियल है जो आपकी कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, यानी निर्माण के कार्य में, जैसे आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो उसमें बिना रेनफोर्समेंट के कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो देखो रेनफोर्समेंट इज ए टाइप ऑफ बार विच प्रोवाइड डक्टिलिटी टू एनी स्ट्रक्चर मेंबर लाइक कॉलम बीम्स स्लैब एट्सेट्रा, यानी कि जो फ्रेंड रेनफोर्समेंट होता है आपकी जो भी स्ट्रक्चर होता है उसमें डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, चाहे वो कॉलम हो, चाहे बीम हो, चाहे स्लैब हो। और साथ ही साथ फ्रेंड अगर बता दो कि एक प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट है उसके कंपेरिजन में हमारा रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट मजबूत होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली मजबूत होगा फ्रेंड, क्योंकि रेनफोर्समेंट जो हमारा होता है एक तरीके से कॉन्क्रीट को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है फ्रेंड, तो देखो द नॉर्मल जो हमारी क्या बोलते हैं आपकी रेनफोर्समेंट होती है कितने कितने mm के साइज में पाई जाती है। तो देखो द नॉर्मल साइज ऑफ बार यूज एट साइट आर 6 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, इससे ऊपर की भी होती हैं। ठीक है फ्रेंड, यानी कि 6 mm की सरिया, 10 mm की सरिया, 12 mm की सरिया, 16 mm की सरिया, 20 mm की सरिया, 25 mm, 32 mm, इन सब का यूज हम करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको कितने टाइप के पढ़ने हैं, तो देखो स्टील बार जो आपके यहाँ पे पढ़ने वैसे तो बहुत होते हैं फ्रेंड, बट यहाँ पे आपको पढ़ना है एक माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का मतलब Fe 250 इसको, यानी कि Fe मतलब कि Fe ये आपका मटेरियल है। ठीक है, और 250 क्या है, उसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है फ्रेंड, और देखो HYSD बार जो है आपका, HYSD बार का मतलब समझो कि हाई इल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार होता है। ठीक है फ्रेंड, HYSD का मतलब होता है हाई इल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मड बार। ठीक है, तो HYSD में आपके दो बार आते हैं, एक Fe 415 आता है, Fe 500 आता है, यानी कि Fe 415 और Fe 500 फ्रेंड ये कुछ नहीं है, बस ये आपका एक जो सरिया होता है उसका ग्रेड है। जैसे आपके कॉन्क्रीट में ग्रेड होते हैं ना, M5, M10, M25 ये सब ग्रेड होते हैं ना,
तो वैसे इसमें सरिया का भी ग्रेड होता है, ठीक है। माइल्ड स्टील यानी कि जो Fe 250 होता है, इसमें क्या होता है फ्रेंड, ये आपकी प्लेन सरिया होती है, देखते नहीं हो कहीं कहीं एकदम प्लेन होता है, उसमें कुछ भी ऐसे जैसे कुछ सरियाएँ होती हैं उसमें देखो फ्रेंड, ऐसे ऐसे आपका लाइनिंग करके दिया रहता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपकी माइल्ड स्टील यानी Fe 250 की जो बार रहती है उस एकदम बिल्कुल प्लेन होती है, ठीक है, और केवल 6 mm की डायमीटर में अवेलेबल रहती है, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया आपका। अब देखो HYSD बार क्या होती है फ्रेंड, एक कोरूगेटेड होती है, यानी कि देखो इसमें लाइनिंग टाइप का रहता है, ठीक है। इसमें दो ग्रेड आते हैं, एक Fe 415 आता है, दूसरा आपका Fe 500 आता है। तो देखो ये आपकी कितने कितने mm में प्रोवाइड की जाती है फ्रेंड, देखो एक 8 mm की होती है, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 36 mm, यानी कि 6 mm को छोड़ करके इसमें सारे साइज़ की हमारी सरिया होती है, ठीक है फ्रेंड। अब देखो जो हमारे बार हम यूज करते हैं यानी कि जो सरिया यूज करते हैं उसमें हमारी लेंथ उसकी कितनी होती है, देखो फ्रेंड सरिया की लेंथ आपकी 12 मीटर होती है, जब आपका जो डायमीटर होता है सरिया का 25 mm तक जब डायमीटर दिया रहे तो सरिया की लेंथ कितना हम रखते हैं, 12 मीटर रखते हैं, ठीक है। और देखो जब आपकी जो डायमीटर होती है यानी कि मोटाई उसकी 25 mm से एक्स्ट्रा होती है तो सरिया की लेंथ हम 6 मीटर की रखते हैं, ठीक है फ्रेंड, ये होता है। अब देखो अब मैं तो आपको बता दिया कि RCC आपकी क्या होती है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दिया रेनफोर्समेंट क्या होता है, अब आप आपको बताएंगे कि लोड क्या क्या होते हैं, ठीक है फ्रेंड, जो बिल्डिंग पर लोड लगते हैं ना, तो उन लोड के बारे में भी हम जानेंगे क्या होता है। देखो पहले जानो लोड क्या होता है, देखो एनीथिंग विच एग्जर्ट प्रेशर और थ्रस्ट ऑन ए स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज लोड, यानी कि ऐसा कोई चीज़ जो मतलब स्ट्रक्चर पे एक तरीके का प्रेशर अप्लाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, लोड। जैसे मान लो फ्रेंड आपका ये हाथ है, ठीक है, आपने दूसरे क्या बोलते हैं, मान लो अगर एक कोई दूसरा आया आपको डंडा मार रहा है, ठीक है, जब डंडा आपके हाथ पे लगेगा तो आपके हाथ पे एक तो प्रेशर टाइप का लगेगा यानी कि चोट आपको लगेगी, ठीक है। उसी तरीके से जब कोई चीज़ बिल्डिंग पे यानी कि जैसे तो देखो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा डेड लोड, ठीक है। डेड लोड क्या होता है, देखो सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डेड लोड, यानी कि जो खुद का वेट होता है स्ट्रक्चर का उसको हम क्या बोलते हैं, डेड लोड बोलते हैं। जैसे मान लो एक आपकी बिल्डिंग है, ठीक है फ्रेंड, अब बिल्डिंग में आपकी ऐसे बिल्डिंग तो बन नहीं गई होगी, उसमें आपकी बीम भी होंगे, कॉलम भी होंगे, स्लैब भी होगा, वॉल भी होगी, यानी सब चीज़ का वेट, यानी कि ये सब स्ट्रक्चर के अंडर ही तो आते हैं। जैसे आपकी बिल्डिंग कोई मान लो उसमें आपकी बीम भी आएगी, कॉलम भी आएगा, वॉल भी आएगा और आपकी सारी चीज़ें स्लैब आ गया फ्रेंड, तो उसमें जो यानी कि इसमें सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डेड लोड, यानी डेड लोड क्या होता है, जो खुद के वेट का स्ट्रक्चर का जो खुद का वेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेड लोड बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका सेल्फ वेट में जो आपका डेड लोड है क्या क्या हो सकता है, जैसे वेट ऑफ बीम हो गया बिल्डिंग में, ठीक है फ्रेंड, कॉलम हो गया, स्लैब हो गया, वॉल हो गया, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, डेड लोड। डेड लोड का सीधा सीधा मतलब है कि सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डेड लोड, यानी कि जो खुद का वेट है स्ट्रक्चर का उसमें जो जो चीज़ें आती हैं उसके वजह से जो हमारा लोड डेवलप होता है उसको हम क्या बोलेंगे, डेड लोड बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब देखो नेक्स्ट है आपका लाइव लोड। लाइव लोड क्या होता है फ्रेंड, लाइव लोड एक तरीके का टेम्परेरी लोड होता है, और जो आपका ऊपर वाला लोड यानी डेड लोड है अगर दो नंबर में आता है तो इसमें एक चीज़ और लिख देना, डेड लोड इज एन परमानेंट लोड, यानी कि डेड लोड जो होता है हमारा परमानेंट लोड होता है किसी भी स्ट्रक्चर पर, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि आप एक बार वाल आपने बना दिया, दीवार बना दिया, तो आपका दीवार बनी ही रहेगी, यानी कि उसको तो जब तक आपका स्ट्रक्चर ख़त्म नहीं होगा तब तक वाल तो ख़त्म होगी नहीं, ठीक है फ्रेंड। तो जो डेड लोड होता है आपका परमानेंट लोड होता है, लाइव लोड यानी कि ये आपका एक तरीके का होता है टेम्परेरी लोड, ठीक है फ्रेंड। तो देखो लाइव लोड क्या होता है, लाइव लोड इज ए टेम्परेरी लोड, दे आर अप्लाइड टू द स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा टेम्परेरी लोड जो स्ट्रक्चर पर अप्लाई होता है। इसमें लाइव लोड में आपके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे फ्रेंड आप मान लो कि आप कोई बिल्डिंग है आपका, ठीक है, उसमें जब आप मूवमेंट करते हो, ठीक है, आते जाते हो, जैसे आपका और भी सोफा हो गया, बेड हो गया, जो भी चीज़ें यानी कि घर में टेम्परेरी रूप में रखी रहती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लाइव लोड बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है आपका देखो स्नो लोड। स्नो लोड यानी कि देखो स्नो लोड इज डाउनवर्ड फोर्स एक्ट ऑन ए बिल्डिंग रूप बाई वेट ऑफ स्नो और आइस, यानी कि जैसे कुछ इलाके होते हैं जहाँ पे बर्फबारी होती है, ठीक है, यानी बर्फ बारिश होती है फ्रेंड, वहाँ पे जो रूप पर यानी छत पर जो आपके बर्फ जमा हो जाते हैं उसकी वजह से जो लोड डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्नो लोड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका रेन लोड। रेन लोड क्या है, यानी कि जब बरसात होती है आपकी तो आपके जो रूफ होते हैं यानी कि छत होते हैं उस पर जो पानी जमा हो जाता है उसकी वजह से जो लोड डेवलप होता है फ्रेंड उसको हम क्या बोलते हैं, रेन लोड बोलते हैं, ठीक है। अब विंड लोड क्या होता है, विंड लोड यानी कि जो हवा की वजह से लोड डेवलप यानी कि लोड को एज्यूम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विंड लोड बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखो यहाँ पे विंड लोड आर जनरली डिपेंड ऑन मूवमेंट ऑफ एयर एंड
साइज ऑफ बिल्डिंग, यानी कि हवा आपकी किस डायरेक्शन में बह रही है, उसकी स्पीड कितनी है और आपकी बिल्डिंग की साइज कितनी है, उस पर डिपेंड करता है विंड लोड। ठीक है फ्रेंड, जैसे मान लो आपकी बिल्डिंग कोई 100 फीट की आपकी बिल्डिंग है, ठीक है फ्रेंड, मान लो अगर आपकी यहाँ से हवा इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ओरिजेंटल डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है फ्रेंड, तो जो लोड यहाँ पे आएगा आपकी बिल्डिंग पे आएगा, उसको हम क्या जब डिज़ाइन करते हैं, जब हम बिल्डिंग के डिज़ाइन करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी हाई दे देंगे कि आपकी जो एयर इधर से जाएगी वो पास हो जाए और आराम से आपको बिल्डिंग के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखो अगला पॉइंट ये बताता है, व्हेन वी डिज़ाइन हाई राइज बिल्डिंग देन वी शुड रिमेंबर द विंड लोड, यानी कि जब हम ऊंची बिल्डिंगों को डिज़ाइन करते हैं तो हमें विंड लोड को भी ध्यान में रख करके डिज़ाइन करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अब देखो आगे क्या, आप डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो इसमें आपको कॉन्क्रीट भी पढ़ना होगा। कॉन्क्रीट क्या होती है फ्रेंड, देखो कॉन्क्रीट होती है आपकी, देखो कॉन्क्रीट एक बिल्डिंग मटेरियल है तो आप सभी को पता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल है, तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर यानी कि जो भी हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, बड़े बड़े हैवी हैवी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्क्रीट का यूज़ करते हैं। तो कॉन्क्रीट क्या होता है फ्रेंड, कॉन्क्रीट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट एंड आर मिक्स विथ वाटर, यानी कि जो आपका सीमेंट होता है और सैंड होती है, ठीक है फ्रेंड, और आपकी एग्रीगेट में कौन सी एग्रीगेट हो जाती है, कोर्स एग्रीगेट, सैंड तो आपकी फाइन एग्रीगेट होती है, बट एग्रीगेट यहाँ पे देखो कोर्स एग्रीगेट यानी जो गिट्टी होती है, ये तीनों किसके साथ मिक्स होते हैं, पानी के साथ मिक्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड, वाटर के साथ मिक्स होते हैं, तो आपका क्या फॉर्मेशन हो जाता है, कॉन्क्रीट बन जाती है। ठीक है, व्हेन सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट आर मिक्स विथ वाटर, ठीक है, देन द मटेरियल विच आर प्रिपेयर इज कॉल्ड एज कॉन्क्रीट। ठीक है फ्रेंड, ये हो गई आपकी कॉन्क्रीट की डिफिनेशन। ठीक है, कॉन्क्रीट कुछ नहीं होता है, बस सीमेंट सैंड और कोर्स एग्रीगेट का मिक्सचर होता है, किसके साथ, पानी के साथ। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया आपका कॉन्क्रीट। अब देखो कॉन्क्रीट में भी कई तरीके के कॉन्क्रीट होते हैं, पहली आपकी है प्लेन कॉन्क्रीट थी, प्लेन कॉन्क्रीट का मतलब प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, इसमें हम रेनफोर्समेंट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, द पीसीसी कंसिस्ट ऑफ सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट मिक्सड इन सुटेबल प्रोपोर्शन इन एडिशन टू वाटर। ठीक है फ्रेंड, तो पीसीसी जो होती है इसमें हम सरिया का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम बस केवल सीमेंट सैंड जो हमारे कोर्स एग्रीगेट होते हैं उनको वाटर के साथ मिक्स करके हम पीसीसी को प्रिपेयर कर लेते हैं। अगला आपका है रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट। रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट में क्या होता है फ्रेंड, इसमें आपकी सारी चीज़ें वही चीज़ रहती हैं, सीमेंट सैंड एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट आपका रहेगा ही, बट यहाँ पे का एक एडिशनल चीज़ ऐड हो जाती है, इसमें रेनफोर्समेंट का यूज हम करते हैं, तो हमारी क्या हो जाती है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, अब देखो कुछ प्रॉपर्टी है कॉन्क्रीट की क्या होती है उसको हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम प्लास्टिक स्टेट। प्लास्टिक स्टेट क्या होता है फ्रेंड, कि कॉन्क्रीट जब आपकी गीली अवस्था में रहती है, यानी कि उसको हम किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर में ढाला जा सके। ठीक है, जैसे आपकी कॉन्क्रीट गीली है, अगर आप उससे कुछ बनाना चाहते हो, जैसे मान लो कि आपको एक इस टाइप का शेप बनाना है, तो भाई फ्रेंड आप उससे बना सकते हो इजीली। अगर मान लो आपकी कॉन्क्रीट हार्ड अवस्था में पहुंच गई, तो अगर आपको इस टाइप का शेप बनाने के लिए कोई कहे तो आप नहीं बना सकते हो। तो प्लास्टिक स्टेट वही होता है कि जिसमें हम कॉन्क्रीट को किसी टाइप में ढाल यानी कि कुछ बना सके उससे, तो प्लास्टिक स्टेट होती है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है फ्रेंड, हम वर्केबिलिटी देखते हैं। देखो कॉन्क्रीट शुड हैव गुड वर्केबिलिटी इफ इट इज इट ईजिली, देखो वर्केबिलिटी मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्केबिलिटी कुछ नहीं होता फ्रेंड, बस इजी वे में समझो कि जब जो आपका कॉन्क्रीट होता है, जैसे मान लो ये आपका मोल्ड है, मोल्ड क्या होता है जिसमें, जैसे आप मान लो होता है ना आपकी क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ आपका कॉलम बनता है तो देखते हो उसमें साइड साइड से आपका वो लगता है ना फ्रेंड, उसको मोल्ड जो रहता है ना यार, जो शटरिंग होती है फ्रेंड आपकी, शटरिंग में क्या होता है कि एक टाइप का शेप दे दिया जाता है। ठीक है, यानी कि शेप दे दिया जाता है, उसमें आपकी कॉन्क्रीट की फिलिंग होती है। तो वर्केबिलिटी कुछ नहीं होता, जो आपकी कॉन्क्रीट होती है इस जो पोर्शन यानी कि जो टोटल पोर्शन दिया है उसमें इजिली प्लेस हो जाए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होकर के इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाए, इजिली प्लेस हो जाए और इजिली सेट हो जाए, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, वर्केबल कॉन्क्रीट कहलाएगी। ठीक है, तो देखो दस कॉन्क्रीट शुड हैव गुड वर्केबिलिटी। ठीक है, यानी कि कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। इट इज डिफाइंड एज द इज विथ विच इट कैन मिक्स ट्रांसपोर्ट, यानी कि ईजिली मिक्स हो जाए, ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाए एंड प्लेस इन ए होमोजीनियस स्टेट। ठीक है, यानी कि ईजिली मिक्स हो जाए, ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाए और ईजिली प्लेस हो जाए, तो आपकी कॉन्क्रीट क्या कहलाएगी, वर्केबल कॉन्क्रीट कहलाएगी। ठीक है, देखो इट डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ वाटर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट एंड परसेंटेज ऑफ फाइन मटेरियल इन मिक्स।
तो ये आपका जो वर्किबिलिटी है किस पे डिपेंड करता है, वाटर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, आपने एग्रीगेट कैसा यूज़ किया उसकी ग्रेड पे डिपेंड करता है, और आपकी जो आप फाइन मटेरियल जैसे आप बालू यूज़ किए हो, सीमेंट यूज़ किए हो, उसकी परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि आप कितने परसेंट लिए हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रेंड सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन देखो, सेग्रीगेशन में क्या होता है कि जो आपका कोर सेग्रीगेट होता है, यानी कि जो आपकी गिट्टी होती है जब आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो कॉन्क्रीट की, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक कॉन्क्रीट को पहुंचाते हो तो हिलता डुलता है कॉन्क्रीट, तो इसमें क्या होता है सेग्रीगेशन में जो आपकी गिट्टी होती है वो कॉन्क्रीट के सरफेस पे उभर आती है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेग्रीगेशन। ठीक है फ्रेंड, और देखो ब्लीडिंग क्या होता है, ब्लीडिंग में क्या होता है कि जो आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट में पानी आ जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि कॉन्क्रीट में आपने एक्स्ट्रा पानी डाल दिया है तो आपका सीमेंट के साथ मिक्स होकर के कॉन्क्रीट के सरफेस पर तैरने लगेगा। ठीक है, देखते नहीं हो कहीं कहीं आप कॉन्क्रीट जैसे ही आप डाले वहाँ पे देखोगे कुछ समय बाद फ्रेंड वहाँ पे आपके सरफेस पे सीमेंट और पानी का मिक्सचर एक तरीके से फ्लो होने लगेगा, तो ये आपकी ब्लीडिंग होती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका हर्स क्या होता है। ठीक है देखो, इट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ फोर्स बाय कॉन्क्रीट टू इट्स सरफेस फिनिशिंग। ठीक है, द सर्फेस ऑफ हर्स कॉन्क्रीट रिमेन्स रफ एंड पोरस। ठीक है, यानी कि जो आपकी सरफेस की फिनिशिंग होती है वो आपकी कॉन्क्रीट की कैसी होनी चाहिए, रफ और रफ टाइप की होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, यानी कि एकदम प्लेन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसमें हल्का हल्का खुरदरापन आपका रहना चाहिए, तो आपकी कॉन्क्रीट हर्स कॉन्क्रीट कराती है। ठीक है, अब हार्ड स्टेज में कौन कौन सी कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टी होती है, तो सबसे पहले हार्ड स्टेज में प्रॉपर्टी आपकी होती है देखो फ्रेंड स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होती है कि इसमें आप देखो द हार्डेंड कॉन्क्रीट शुड हैव हाई स्ट्रेंथ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सो दैट इट कैन रेजिस्ट दी हैवी लोड ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि जब ये हमारी कॉन्क्रीट हार्ड स्टेज में पहुंच जाती है, यानी कि आप कह सकते हो सूख जाती है। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से सेट हो जाती है, प्रॉपरली एकदम सेट हो जाती है, एकदम हार्ड हो जाएगी, तो उस समय क्या होना चाहिए, जो कॉन्क्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो फ्रेंड हैवी लोड, जो स्ट्रक्चर का हैवी लोड रहता है उसको कैरी कर सके। ठीक है, तो ये होता है कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ। ठीक है, जो आपकी देखो कॉन्क्रीट की जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो आपकी 15.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। ठीक है फ्रेंड, इससे आपकी नीचे नहीं होनी चाहिए स्ट्रेंथ, इससे ऊपर हो सकती है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है फ्रेंड, ये भी हार्डेंड स्टेज में ही प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपके बरसात का पानी है, फ्रॉस्ट एक्शन हो गया, ठीक है सर, जैसे जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसको अगर आपका कॉन्क्रीट सर्वाइव कर जा रहा है तो आपकी कॉन्क्रीट क्या कहलाएगी, ड्यूरेबल कॉन्क्रीट। ठीक है, तो देखो दिस प्रॉपर्टी इज मेनली अफेक्टेड बाई वाटर सीमेंट रेशियो। यानी कि जब आपकी कॉन्क्रीट की ड्यूरेबिलिटी खराब है तो मान लो कि जो आपका वाटर सीमेंट का रेशियो है वो प्रॉपर वे में नहीं दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, ये होती है आपकी ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट है इम्परेबिलिटी। इम्परेबिलिटी क्या होती है फ्रेंड, ये भी एक आपकी हार्डन स्टेज में ही कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है फ्रेंड, तो देखो इसमें क्या होता है कि जो देखो जो जैसे मान लो कि आपका कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर हो आपको पानी को एब्जॉर्ब ना करे तो आपका क्या बोलते हैं इम्परमेबियल कॉन्क्रीट कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसमें देखो यही लिखा है पूरे में, जो आपका जैसे मान लो कॉन्क्रीट का सरफेस है आपका, इधर से पानी फ्लो कर रहा है तो अगर आप ये आपका पानी इसके अंदर चला जाएगा, एंट्री कर जाएगा तो ये आपकी कॉन्क्रीट को पूरा सर्वनाश कर देगा। ठीक है, तो यानी कि ये ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब ना करे तो आपकी क्या कहलाएगी, इम्परमेबियल कॉन्क्रीट कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका श्रिंकेज क्या होता है। देखो श्रिंकेज क्या होता है, ये आपकी हार्डन स्टेज की प्रॉपर्टी है। इसमें आपको पता है कि ये भी आपकी जो श्रिंकेज होता है वो भी आपकी किस पे आपका डिपेंड होता है, वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड होता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका क्रीप है, ये भी आपकी कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टी हार्डन स्टेज में। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि देखो द हार्डेंड कॉन्क्रीट शुड बी सब्जेक्टेड टू मिनिमम क्रीप, इट इज़ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेन विच द कॉन्क्रीट अंडर गो ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड। यानी कि जब आपका कॉन्क्रीट पे जैसे मान लो कि कोई लोड आ रहा है फ्रेंड, क्रीप कुछ नहीं होता, एक तरीके का डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे ही लोड इस पे आया तो ये आपकी कॉन्क्रीट में बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ज़्यादा लोड लगेगा तो जानते हो कि कहीं कहीं होता है फ्रेंड, देखो जैसे आप ज़्यादा लोड लगा दिए तो आपकी जो बीम होती है पूरी एक तरीके से टूटना शुरू हो जाती है, झुकने लगती है, तो ये आपकी क्रीप बताती है। हो गया फ्रेंड, ये आपकी कॉन्क्रीट की सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया। अब देखो एक कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है फ्रेंड। देखो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसे आप इसको मैं समझा देना चाहूँ, जैसे आप 100 क्यूब लिए, क्यूब मतलब आपको समझने में आता ही होगा कि जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट निकालने के लिए आपने जो क्यूब लिया है, ठीक है, अगर मान लो आपने 100 क्यूब लिया है उसमें से आपकी जो 95 क्यूब हैं, अगर मान लो आपको 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, तो आपकी जो 95% क्यूब है यानी कि 95 क्यूब जो हैं आपके
वो आपकी इतनी स्ट्रेंथ दे दें, तो जो आपकी मान लीजिए कि 5% नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, तो जो 95% स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की, उसको हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि 100 क्यूब में से आपका जो 95% रिजल्ट है वो पास है, ठीक है। अब देखो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट की क्या होती है, यंग मॉडुलस ऑफ जो कंक्रीट की इलास्टिसिटी होती है फ्रेंड, इस इज इक्वल टू होता है 5000 अंडर रूट FCK। FCK कुछ नहीं है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू होता है 5000 अंडर रूट FCK, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको यूज में आएगा, ठीक है फ्रेंड। अब देखो M25 ग्रेड का यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया है, M क्या है, अब देखो M25 ग्रेड का आप कॉन्क्रीट है, M इसमें क्या है आपकी मिक्स है, ठीक है, और जो आपकी 25 है ये क्या है फ्रेंड, आपकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट है आपका परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस फ्रेंड एक ऐसा स्ट्रेस होता है जिसको, यानी कि मान लो कि ये आपकी कोई मान लो कि एक सरिया ही है, ठीक है फ्रेंड, इस पर आपने लोड लगाया, ठीक है, तो इसमें परमिसिबल स्ट्रेस वही स्ट्रेस होता है कि ये उतना लोड कैरी कर सके, ठीक है। एक तरीके से मैं आपको बता दूँ कि बिना फेल हुए जितना लोड को ये कैरी करती है वो आपकी क्या होगी, परमिसिबल स्ट्रेस। जैसे मान लो कि इसकी स्ट्रेंथ आपकी 10 न्यूटन पर mm² है, ठीक है, और आपने लोड इस पर अप्लाई किया, ठीक है, तो 10 न्यूटन पर mm² तक ये सर्वाइव कर जाएगी फ्रेंड। लोड जब 10 न्यूटन पर mm² तक आप अप्लाई करोगे तो ये सर्वाइव कर जाएगी, बट अगर आप इससे 10 न्यूटन पर mm² से ऊपर का लोड लगाओगे तो ये आपकी फेल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो परमिसिबल स्ट्रेस वही होता है कि इतना लोड जब तक, इतना स्ट्रेस जब तक कि आपका मटेरियल है वो सर्वाइव कर सके बिना फेल हुए, यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई। देखो द परमिसिबल स्ट्रेस इज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट ए ऑब्जेक्ट कैन हैंडल विदाउट फेल्योर, ठीक है, यानी बिना फेल हुए जितने लोड को आपका, जितने स्ट्रेस को आपका जो है मटेरियल वो सर्वाइव कर जाए, वो आपकी कौन सी कहलाएगी, परमिसिबल स्ट्रेस कहलाएगी, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, अलाउएबल स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब देखो डिजाइन फिलोसफीज में, डिजाइन फिलोसफीज फ्रेंड हम अगले अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज का वीडियो हमारा बस बेसिक था इंट्रोडक्शन पार्ट। अगले वीडियो में हम जो आपका जितने भी डिजाइन फिलॉसफी हैं, जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, लिमिट स्टेट मेथड है, फिर आपका जो अल्टीमेट लोड मेथड है, इन तीनों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा जो आपकी सिंगली रेनफोर्स बीम क्या होती है, डबली रेनफोर्स बीम क्या होती है, और साथ ही साथ फ्रेंड हम एक बैलेंस सेक्शन क्या होता है, अनबैलेंस सेक्शन क्या होता है, हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और देखो इस जो आपकी पहली यूनिट है उसकी मैं टोटल 4 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि देखो 3 से 4 वीडियो बनेगी, ठीक है फ्रेंड। पहली तो आज आपकी हो ही गई, सेकंड में मैं आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता दूंगा, और जो थर्ड रहेगी, थर्ड और फोर्थ में आपको मैं क्या करवा दूंगा, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिससे कि आपकी यूनिट 1 पूरी कवर हो जाएगी। और साथ ही साथ जो हमारी फोर्थ वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है। अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हो तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो जो हमारी फोर्थ वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, और साथ ही साथ फ्रेंड ये भी बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आपको एग्जाम में कैसे मतलब कि कितना टोटल कितना मतलब पहली यूनिट जो है आपकी टोटल आती है फ्रेंड, वैसे 34 मार्क्स की आती है, ठीक है, 34 मार्क्स की आती है ऑप्शन ऑप्शन दे के, ठीक है, यानी कि इसमें ऑप्शन भी रहते हैं कि आपको कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई टोटल पहली यूनिट, ठीक है फ्रेंड, इसको हम अपना डिस्कस करते रहेंगे। अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में या आने वाले जब भी समय है, ठीक है फ्रेंड, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके नोट्स सारे आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे, और चाहे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो कुछ भी हो सारी चीज़ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो आप टेलीग्राम अभी नहीं ज्वाइन किए हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।